राज्यसभा सदस्य कहकशां परवीन ने सदन में भागलपुर से हवाई सेवा शुरू नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से पूछा कि क्या सरकार भागलपुर से देश के अलग अलग शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है और हवाई सेवा कब तक शुरू होगी, एयरपोर्ट का निर्माण कब तक होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर क्या कारण है कि भागलपुर से हवाई सेवा शुरू नहीं की जा सकी है। इसके जवाब में मंत्री ने कहा है कि सरकार ने क्षेत्रीय वायु संपर्कता को प्रोत्साहित और किफायती बनाते हुए क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी RCF शुरू की है और RCF उड़ान एक बाजार चलित प्रणाली है और इस योजना के अधीन एयरलाइनें मार्ग विशेष पर आवश्यक मांग और आपूर्ति का आकलन करती हैं। उनके आकलन के आधार पर ही समय समय पर संचालित की जाने वाली बोली प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं। कोई भी हवाई अड्डा या जो भी उड़ान योजना के अंतर्गत अवार्ड किए गए मांगों से में शामिल किया गया हो उस हवाई अड्डे को पुनरुत्थान योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। साथ ही भागलपुर हवाई अड्डा RCS दस्तावेजों की सूची में दर्ज है और भागलपुर से जुड़ने के लिए किसी भी एयरलाइन ने बोली प्रस्तुत नहीं की है और भविष्य में अगर बोली प्रक्रिया प्राप्त होती है तो उस पर दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते